सुबह के बज चुके हैं अभी 10 और आज 3 दिन की बारिश के बाद फाइनली आज थोड़ी धूप आई है। थोड़ी क्या, बहुत अच्छी धूप आ रही है। पूरा मौसम साफ हो रखा है आज, तो देख सकते हैं कमरे के अंदर ही पूरी धूप हो रखी है। पूरा मौसम साफ है, धूप आ रही है फर्स्ट क्लास। एंड मैं आपको रूट थोड़ा सा रेडी रेडी से दिख रही हूँ कि हाँ, तो मैं रेडी हो रखी हूँ कहीं जाने के लिए। आज हम जा रहे हैं मुंडन में। फर्स्ट टाइम मैं किसी गढ़वाली मुंडन में जा रही हूँ, क्योंकि कोई वैसे हमें यहाँ कोई जानता है नहीं, तो कोई बुलाता भी नहीं है। तो जो जानते हैं वो भी बुलाते हैं तो ऐसे शादी वगैरह में, मुंडन वंडन में तो कभी नहीं। तो अनु के मामा के लड़के का मुंडन है, ठीक है, तो उन्होंने इनवाइट कर रखा है। तो अभी जाएंगे, थोड़ी देर में जाते हैं। रेडी हो चुके हैं हम लोग, मैंने कपड़े वपड़े पहन लिए हैं और तन्नु भी यहाँ पर रेडी हो रखी है। आज इसने फ्रॉक पहनी है, ठीक है। तो अभी थोड़ी देर बाद हम लोग निकलेंगे। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं जहाँ पे अभी हो रहा है मुंडन। तो यहाँ पे तैयारी चल रही है अभी बाना देने की। तो बाल उतार दिए गए हैं और ये दिखाती हूँ मैं अभी मुंडन बॉय जिसका मुंडन हुआ है। ये है, बिना फ़ोन के आजकल बच्चों को बैठाना मुश्किल है, ठीक है। तो फ़ोन लेके बैठा रखा है इसको क्योंकि बैठ नहीं रहा है। और बाल इसके उतार दिए गए हैं, अब दिया जाएंगे हल्दी। तो ये गढ़वाली रीति रिवाज में ऐसा होता है, कुमाऊनी तो मुझे पता नहीं क्योंकि मैंने आज तक अभी कुछ देखा नहीं है ऐसा मुंडन संस्कार। कुक्कू का हमने कराया था तो वो कालकाची में करा दिया था, और तन्वी का हमने घर पर ही नवरात्रि में उतार दिए थे। तो गढ़वाली में ऐसा होता है कि अभी बाल उतारने के बाद ना बाने दिए जाएंगे। बाने मीन्स हल्दी लगाई जाएगी बच्चे को, जो कि मतलब फैमिली के और जितने भी सब लोग आ रखे हैं वो सब लगाएंगे एक एक करके। तो गाइस सबसे पहले हल्दी जो है ना वो कन्या द्वारा लगाई जाती है, मतलब तन्वी लगा रही है यहाँ पे, और कन्याएं हैं बहुत सारी पर आ नहीं रहते, तो इसलिए तन्वी को बैठा रखा है। तो तन्वी करेगी अभी सबसे पहले हल्दी लगाएगी। Thank you.
टाइट से लगाओ सो गया देखना नींद आ गई उसे तो भाई सब इनके दो बजने वाले हैं और खाना वाना बन चुका है, यहाँ लगा है टेंट खाने का, चलते हैं खाते हैं खाना। ने खुद दिया अपने लिए लिया, आभास के लिए भी लिया। तो गाइस बना तो बहुत सारा कुछ है पर मैंने सिर्फ पनीर और चावल और पूरी ली है। तो गाइस शाम के 5:30 बज चुके हैं एंड अब जा रहे हैं हम घर को, ठीक है। मुंडन जो था वो कंप्लीट हो गया है और कीर्तन हुए थोड़ी देर, अभी कीर्तन वर्तन करके हम निकलते हैं घर को। तन्नू को देखो सर वहाँ दौड़ लगा दी उसने। तो गाइस शाम के 6:05 हो गए और हम लोग घर पहुँच गए। अमित नहीं आए हैं, अमित का फ़ोन आया था कि वो 8:30 बजे आएंगे, ठीक है। और मेरे को तो ऐसा हो रहा है आज दिन में, मेरे को एक तो ना सोने की आदत होगी ना आजकल, तो वैसे 2-3 दिन से नहीं सो रहे पर आज थक लग गई सुबह से, वहाँ थे फिर खड़े खड़े कभी ये सो ना आराम नहीं, 1 मिनट कभी अभी थकान सी हो रही है, ऐसा मन कर रहा सो जाओ पर सोना तो नहीं है। अब 6 बज रहे हैं, खैर फिलहाल अभी कुछ तो करना नहीं है, चाय है मैंने पीनी, अभी वहाँ कोल्ड ड्रिंक वोल्ड्रिंक पी गया है। तन्वी के लिए दूध गर्म करूँगी थोड़ी देर में, तो थोड़ी देर ऐसे कमर सीधी करती हूँ। लगा इस रात के 9:45 बज चुके हैं एंड उस हम वहाँ से आए, उसके बाद पता नहीं कैसी थकान सी ऐसी नींद सी आई, अब इस तरह में हम लोग लेटे थे तन्नूर में और हमको नींद आ गई। और जस्ट अभी मैं ना 8:30 बजे उठ रही हूँ, और उठी तो फिर बाहर आई, फिर मैंने कहा रही और 8:30 हो गया मैं क्या करूँ, फिर जल्दी जल्दी आटा गूंदा। सब्जी सुबह की थी, अब पता नहीं वो खाते नहीं खाते, नहीं तो वैसे तो दूध और केले के साथ भी खा लेते, मेरे को तो बिल्कुल भूख नहीं है, बस खाली नाम मात्र के दूध पीऊँगी, तन्नू को उठाती हूँ तन्नू को खिलाऊँगी। और गाइस बहुत ज़्यादा थकान हो चुकी है और मैं सोच रही हूँ बस अब ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, उसके आगे मेरे बनाने की हिम्मत भी नहीं हो रही है, खाऊंगी और बस सो जाऊंगी दोबारा से। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोग को ब्लॉग पसंद आएगा, ब्लॉग पसंद तो लाइक एंड शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जिन्होंने अभी तक फेसबुक पर फॉलो नहीं किया है वो फेसबुक मुझे फॉलो भी कर दीजिए, ठीक है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड गुड नाइट।